हेलो गाइस, वेलकम टू द कार शो। आज आपके सामने मारुति सुजुकी वैगनर। वैगनर का प्राइस 4.45 लाख रुपीस से स्टार्ट होता है एंड टॉप वेरिएंट का प्राइस 5.94 लाख रुपीस है। वैगनर के अंदर आपको दो फ्यूल ऑप्शंस मिल जाते हैं, सीएनजी एंड पेट्रोल। सीएनजी के अंदर आपको मिलता है 1.0 लीटर का इंजन और पेट्रोल के अंदर आपको 1.0 लीटर पेट्रोल के साथ साथ 1.2 लीटर पेट्रोल का भी ऑप्शन मिल जाता है, जो कि आप अभी देख रहे हैं। एंड ये इंजन प्रोड्यूस करता है 82 पीएस की पावर और 113 एनएम का टॉर्क एंड इसकी एयर ए क्लेम्ड माइलेज है 20.52 केएमपीएल। एंड अभी आप वैगनर का टॉप एंड वेरिएंट देख रहे हैं, ZXI AMT एंड इसका एक शोरूम प्राइस है 5.94 लाख रुपीस। चलिए अब कार के फ्रंट से स्टार्ट करते हैं एंड चेक करते हैं आपको इसके अंदर क्या क्या ऑफर किया जाता है। सबसे पहले आपको सेंटर में मिल जाती है क्रोम ग्रिल सुजुकी के लोगो के साथ। उसके साथ आपको इसके अंदर हेलोजन हेडलैम्प्स दिए जाते हैं विद साइड टर्न इंडिकेटर्स। हेडलैम्प यूनिट के नीचे आपको इसमें फॉग लाइट भी मिल जाती है, लोअर वेरिएंट्स के अंदर आपको फॉग लाइट नहीं दी जाती है। एंड ये है कार का कंप्लीट फ्रंट लुक। एंड अभी आप वैगनर का मैग्मा ग्रे कलर देख रहे हैं। इसके अलावा आपको इसमें 5 कलर ऑप्शंस और भी मिल जाते हैं। चलिए अब कार के साइड में चलते हैं। यहाँ पर आपको इसमें दिए जाते हैं 14 इंचेस के स्टील व्हील्स विद फुल व्हील कवर एंड टायर्स की प्रोफाइल है 165/70R14। आपको इसमें साइड टर्न इंडिकेटर्स ओवरवीएम के ऊपर दिए जाते हैं एंड इस वेरिएंट के अंदर आपको इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल ओवरवीएम्स मिल जाते हैं। एंड यह है कार का कंप्लीट साइड लुक। ऊपर रूफ पर आपको आगे की तरफ मिल जाता है एक एंटीना एंड बाकी रूफ आपको इसमें प्लेन दी जाती है। चलिए अब इसकी बैक प्रोफाइल चेक कर लेते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर इसमें मिल जाता है रियर वाइपर, रियर वॉशर और रियर डिफॉगर। यहाँ पर आपको ब्रेक लाइट भी इसमें दी जाती है एंड आपको इसके अंदर हेलोजन टेल लैम्प्स ऑफर की जाती हैं। एंड कुछ इस तरह का डिजाइन रहने वाला है टेल लैम्प्स का। सेंटर में आपको मिल जाती है क्रोम प्लेट के ऊपर वैगनर की बैजिंग एंड उसके ऊपर दिया जाता है सुजुकी का लोगो। नीचे बम्पर पर आपको इसमें मिल जाते हैं दो पार्किंग सेंसर्स और दो रिफ्लेक्टर्स। एंड ये है कार का कंप्लीट बैक प्रोफाइल का लुक। एंड अब डायमेंशंस की बात करें तो आपको वैगनर के अंदर 3655 mm की लेंथ मिल जाती है, 1620 mm की विड्थ मिल जाती है और 1675 mm की हाइट मिल जाती है। एंड गाइज, इस पर्टिकुलर कार के अंदर कुछ एसेसरीज भी इंस्टॉल्ड हैं जो कि वर्थ है 19,420 rupees। एंड गाइज, ये सब एसेसरीज इस कार के अंदर इंस्टॉल्ड हैं। सबसे पहले आपको मिल जाते हैं सीट कवर्स, डोर वाइजर्स, साइड बेडिंग, एसटीजी कवर और ISK किट। चलिए अब कार के अंदर चलते हैं एंड अंदर चलकर देखते हैं कि आपको इसमें क्या क्या ऑफर किया जाता है। एंड ये है इसका ड्राइवर साइड डोर जो कि आता है सिंगल टोन ब्लैक फिनिश के साथ। एंड यहाँ पर आपको इसमें दिए जाते हैं पावर विंडो के स्विचेस और उसके आगे आपको इसमें मिल जाते हैं ओवरवीएम के कंट्रोल्स एंड आपको ISK किट भी इसके अंदर इंस्टॉल्ड मिल जाती है। नीचे की तरफ आपको इसमें मिल जाता है एक बॉटल होल्डर और साथ ही कुछ स्टोरेज स्पेस। एंड कार के अंदर एंटर करने के लिए आपको काफ़ी अच्छा एरिया मिल जाता है। चलिए अब कार के अंदर चलते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर इसमें मिल जाती हैं मैन्युअली एडजस्टेबल फ्रंट सीट्स एंड इस वेरिएंट के अंदर आपको कुछ इस तरह की कीज प्रोवाइड की जाती हैं जो कि आती है लॉक और अनलॉक बटन के साथ। चलिए अब कार का इग्निशन ऑन कर लेते हैं। आपको यहाँ पर मिलता है की इंसर्ट करने के लिए एरिया एंड आपको इसमें ऑरेंज इल्यूमिनेशन के साथ इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया जाता है। सेंटर में आपको इसमें मिल जाता है स्पीडोमीटर और राइट हैंड साइड पर आपको इसमें दिया जाता है RPM मीटर और साथ ही MID स्क्रीन एंड उसी के अंदर आपको इसमें फ्यूल गेज भी दिया जाता है। एंड ये है कार का कंप्लीट स्टीयरिंग व्हील का लुक। एंड इस कार के अंदर एज एन एसेसरी स्टीयरिंग कवर भी डाला गया है एंड स्टीयरिंग व्हील के लेफ्ट हैंड साइड पर आपको इसमें मिल जाते हैं मीडिया कंट्रोल्स और उसके नीचे आपको इसमें दिए जाते हैं टेलीफोनिक कंट्रोल्स। एंड स्टीयरिंग व्हील के पीछे आपको लेफ्ट साइड पर वाइपर और राइट हैंड साइड पर हेडलैम्प का कंट्रोल मिल जाता है। यहाँ AC वेंट के नीचे आपको इसमें मिल जाता है हेडलाइट लेवलर एंड जैसे कि ये ऑटोमेटिक वेरिएंट है तो नीचे आपको इसमें दो ही पेडल्स दिए जाते हैं। एंड ये है कार का कंप्लीट डैशबोर्ड का लुक। आपको इसके अंदर ब्लैक एंड बेज कलर में इंटीरियर्स दिए जाते हैं एंड डैशबोर्ड के सेंटर में आपको इसमें मिल जाता है 7 inches का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम जो कि आता है काफी सारे फीचर्स के साथ जैसे कि एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, AM, FM, DRM, USB, AUX और ब्लूटूथ के थ्रू अपना फोन कनेक्ट करने का भी ऑप्शन इसमें मिल जाता है। एंड इस इंफोटेनमेंट स्क्रीन के अंदर आपको आपकी कार की सारी इन्फॉर्मेशन भी शो हो जाती है एंड सुजुकी की बाकी कार्स के अंदर भी अभी ये इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया जाता है।
उसके नीचे आपको यहाँ पे मिल जाता है हजार्ड लाइट का स्विच, और उसके नीचे आपको इसमें मिल जाते हैं मैनुअल एसी कंट्रोल्स। एसी कंट्रोल्स के नीचे आपको इसमें एक 12 वॉट्स का पावर सॉकेट, यूएसबी और ऑक्स का पोर्ट, और साथ ही कुछ स्टोरेज स्पेस मिल जाती है। एंड ये जो आप ग्लॉसी वुडन फिनिश देख रहे हैं, ये एज एन एसेसरी आप इसमें लगवा सकते हैं। एंड ये है इसका AMT गियर बॉक्स, एंड इसमें रिवर्स गियर इनिशिएट करते ही आपको रिवर्स पार्किंग सेंसर्स का डिस्प्ले आपकी स्क्रीन के ऊपर शो हो जाता है। एंड गाइस, आपको इसके अंदर ड्राइव मोड के साथ साथ मैनुअल मोड भी दिया जाता है, जिसको आप कुछ इस तरह से इसमें कंट्रोल कर सकते हैं। गियर बॉक्स के पीछे आपको इसमें मिल जाती है कुछ स्टोरेज स्पेस, और उसके पीछे दी जाती है हैंड ब्रेक। एंड ये है कार की कंप्लीट फ्रंट सीट्स का लुक। वैसे तो इस कार के अंदर फैब्रिक सीट्स दी जाती हैं, बट इस कार के अंदर लेदर सीट कवर्स इंस्टॉल्ड हैं। एंड अब सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो आपको इस कार के अंदर ड्राइवर साइड एयरबैग और ABS एज स्टैंडर्ड मिलते हैं। एंड ये टॉप एंड वेरिएंट है, तो आपको इसके अंदर दो एयरबैग्स दिए जाते हैं। एंड वारंटी के अंदर आपको इसमें 2 ईयर्स और 40,000 किलोमीटर्स की वारंटी दी जाती है, जिसको आप एक्सटेंड भी करवा सकते हैं। चलिए अब इसका ग्लव बॉक्स चेक कर लेते हैं। आपको इसके अंदर नॉर्मल साइज ग्लव बॉक्स दिया जाता है, एंड ऊपर रूफ पर आपको इसमें पैसेंजर साइड पर मिल जाता है वैनिटी मिरर सन सीट्स के अंदर। सेंटर में आपको इसमें एक कैबिन लाइट और उसके आगे माइक्रोफोन दिया जाता है। एंड इस वेरिएंट में आपको मिल जाता है डे एंड नाइट मैनुअल IFEM। एंड ड्राइवर साइड सनशील्ड के अंदर आपको इसमें दिया जाता है एक टिकट होल्डर। एंड गाइस, मारुति सुजुकी वैगनर के अंदर आपको काफी सारे कलर ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे कि सिल्वर, ब्लू, ब्राउन, ग्रे, वाइट और ऑरेंज। चलिए अब कार की बैक सीट में चलते हैं, एंड चलकर इसका बैक सीट का कंफर्ट चेक करते हैं। एंड ये है इसका बैक डोर, सेम फ्रंट डोर की तरह ही ये भी आपको सिंगल टोन ब्लैक फिनिश के साथ दिया जाता है। यहाँ पर आपको इसमें मिल जाता है पावर विंडो का स्विच, और नीचे आपको दिया जाता है एक बॉटल होल्डर। एंड गाइस, आपको काफी वाइड एरिया मिल जाता है कार के अंदर एंटर और एग्जिट करने के लिए। चलिए अब कार के अंदर चलते हैं। यहाँ पर आपको दिए जाते हैं फिक्स्ड हेडरेस्ट, आर्मरेस्ट आपको वैगनर के किसी भी वेरिएंट में नहीं दिया जाता है। एंड ये है कार का कंप्लीट डैशबोर्ड का लुक बैक सीट से। एंड इस कार के अंदर आपको दोनों साइड्स पर मैप पॉकेट्स भी दी जाती हैं। एंड गाइस, मेरी हाइट 6 फीट है, एंड ड्राइवर सीट मेरी ड्राइविंग पोजीशन के हिसाब से सेट है। उसके बाद भी मेरे को इसके अंदर काफी अच्छा नी रूम, लेग रूम और हेड रूम मिल पा रहा है। एंड गाइस, मारुति सुजुकी वैगनर की बैक सीट में 2 एडल्ट्स और 1 किड काफी इजिली बैठ सकते हैं। एंड अब ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो आपको इस कार के अंदर मिल जाती है 175 mm की ग्राउंड क्लियरेंस। चलिए अब इसको बंद कर देते हैं, एंड बाहर चलकर इसका बूट एरिया चेक करते हैं। आपको यहां पर मिल जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बटन इसको ओपन करने के लिए। एंड वैगनर के अंदर आपको टोटल मिल जाता है 341 लीटर्स का मैसिव बूट स्पेस। यहाँ पर आपको इसमें पार्सल ट्रे भी दी जाती है, एंड आप रियर सीट को 60-40 स्प्लिट में फोल्ड करके अपना बूट स्पेस एक्सटेंड भी कर सकते हैं। या नीचे आपको इसमें स्पेयर व्हील और साथ ही टूलकिट भी मिल जाती है। तो ये था गाइस मारुति सुजुकी वैगनर के टॉप एंड वेरिएंट का डिटेल्ड वॉक अराउंड वीडियो। एंड इस कार का चंडीगढ़ में आपको ऑन रोड प्राइस पड़ेगा 6.52 लाख रुपीज। एंड वैगनर के बाकी वेरिएंट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो इफ यू एंजॉयड द वीडियो, प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड ऑल्सो प्लीज सब्सक्राइब टू द कार शो एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर ऑल द लेटेस्ट अपडेट्स। थैंक यू and have a nice day.